चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, ठीक है। इफ इन द मिडल ऑफ द टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट, देन द इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं आर, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया तो हम तो कंसिडर अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी एफ की वैल्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अट्रैक्शन का इसलिए निगेटिव आ गया, ठीक है। अन दोनों के बीच में अगर मैं एक तीसरा चार्ज रख देता हूं, ध्यान से देखना, तीसरा चार्ज इसकी वैल्यू प्लस क्यू है मिडल में एकदम, अनदर हैविंग केप्ट, ठीक है, मिडल ऑफ द टू, दोनों के बीच में, ठीक है, तीसरा चार्ज रख दिया और उसका चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे ए इसको कह दिया, बी इसको कह दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का डायरेक्शन भी इधर, क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, नेगेटिव है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो नेट फोर्स ऑन सी कितना होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों का डायरेक्शन लिखिए तो दोनों जुड़ नहीं है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए की वैल्यू कितनी होगी, के प्लस क्यू अपॉन लेंथ, ये डिस्टेंस r बाई टू होगा, r बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स कितना होगा, k प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस r बाई टू का होल स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए बताओगे, ये कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से है, तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर बाई आर स्क्वायर प्लस के फोर के, ये भी फोर के आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टोटल कितना जाएगा, एट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो नेट फोर्स ऑन सी की वैल्यू एट टाइम्स हो गई ना पहले के फोर्स के कंपेयर में, क्यों एट टाइम्स हुई ना, ये पूरी वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू एफ है ना, तो 8f हुई ना, 8f राइट साइड में b की तरफ माइनस यानी निगेटिव वाले चार्ज की तरफ, 8f माइनस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है, ये c ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।